ईद का दिन कैसे गुजारना चाहिए। बाज़ मोमिनीन कहते हैं बिल्कुल ईद मनानी ही नहीं चाहिए, बाज़ कहते हैं ईद को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। बाज़ मोमिनीन ईद नमाज पढ़ने के बाद गिरिया वो मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, क्यों? क्योंकि मौला अली का दसवां है। ईद के दिन ईद नमाज पढ़ के मौला अली का दसवें के दिन की नियत से मातम करे तो जायज़ है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियां छीन ली गई। आइमा अलैहिस्सलाम का ईद के दिन ये तरीका रहा है कि आप ईद के दिन ईद नमाज पढ़ते और बाद में गम का इजहार करते, गम का इजहार करके फरमाते थे हमारी ईदों की खुशियां हमसे छीन ली गई। मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से ईद दिया गया एक गिफ्ट है। मुस्तहब है ईद नमाज पढ़ें, नया लिबास पहने, खुशबू लगाएं, ख़ुद को साफ़ सुथरा करें। मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। वाजिब तब होगी जब वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजक ज़हूर फरमाएंगे। लेकिन ईद से पहले या ईद नमाज के बाद मजलिस करना चाहें तो ऐसा करने से ना अहले बैत ने रोका है ना हराम है।